तो मैं सिडफ्लिक्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और नहा करते हुए भी सीरियल का एपिसोड 6 फिलर ही निकला, जो एपिसोड 5 की तरह इस एपिसोड में भी कहानी हटके ही चल रही थी और एपिसोड पूरा वेडिंग के ऊपर ही था। तो फिर शुरू करते तो एपिसोड की स्टार्टिंग जेनिफर के ड्रेस और सूट से होती है, जो कि उसने सिलवाने दिया था और वो आ चुका था। हॉपर बस ड्रेस देखने मिला, सूट नहीं, जो कि जेनिफर को उसके फ्रेंड लुलू के वेडिंग में पहनना था। पर भाई लुलू ये कैसा नाम होता है, हॉपर भगाओ, फिलर है, सब चलेगा। और भाई निक्की को मैलोरी के साथ केस में काम करने का मौका मिल गया है, क्योंकि जेनिफर का केस मैलोरी को दे दिया गया था, जो कि एक डिवोर्स केस था। हॉपर ये केस एक का नहीं था, इसके पीछे पूरी लाइन लगी थी, क्योंकि इस बंदे ने डिवोर्स देने के मामले में पूरी PhD कर ली थी। भाई एक के बाद एक डिवोर्स और रीजन भी वैलिड नहीं, पर अब केस आया है तो कंप्लीट तो हो ही जाएगा। और भाई जेनिफर अपने दोस्त के वेडिंग में शियल बन के पहुंचती है और भाई उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बंदी दिखी रही थी इतनी हॉट। पर इसकी दोस्त लुलू उसे कहती है कि तुम ऐसे नहीं आ सकती, क्योंकि आज मेरी वेडिंग सेरेमनी है और सबकी नज़र मुझ पे होनी चाहिए, ना कि तुम पर। और ये चीज़ ज़रूरी भी थी, पर इसकी वजह से जेनिफर के पूरे मज़े ख़राब हो गए। और वहीं पर टाइटेनिया भी आ जाती है, और इसके आ जाने के बाद जो थोड़ी बहुत अच्छे टाइम बचे भी थे जेनिफर के पास, अब वो सारे खत्म हो गए थे, क्योंकि वो जानती थी वो उससे बदला लेने के लिए आई है यहाँ पे। और वैसा देखने भी मिला, पर शील्क ने जो टाइटेनिया को मारा है उसे देख के मजा आया। और जेनिफर को कंपनी देने के लिए ये बंदा भी मिल जाता है, जो लगभग उसे पसंद भी करने लगा। और इस बंदे का आगे क्या रोल देखने मिलेगा वो तो अगले एपिसोड में मालूम चलेगा। और भाई जेनिफर को हर कोई मेड की तरह ट्रीट कर रहा था, क्योंकि वो सब उससे जेलस और वो सब उसे अपने से अलग मानते थे। और ये बिहेवियर जेनिफर के लिए कुछ नया नहीं था, कि वो जानती थी जो वो अब बन चुकी है उसे ये सब झेलना पड़ेगा। और वो जो केस निकी और मैलोरी को मिला था उसमें भी उन सब ने आपस में बैठ के वो सब निपटा दिया, जो कि निकी ने सेटल कर दिया था। तो ओवरऑल एपिसोड फिलर था और बिना पोस्ट क्रेडिट सीन के भी, पर अब देखना तो है ही, तो जरूर देखेंगे। और भाई इस एपिसोड का होता है एंड, और हाँ मैंने एपिसोड 5 के ऊपर भी बात की, तो जरूर देख लेना। और मुझसे पर्सनल कनेक्ट होना तो मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, तो बने रहिए सिटफ्लिक्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन चलो पीस।